जाना, तेरा टाइम पूरा हो गया। अगर आप बनना चाहते हो एक यूट्यूबर गेमर या तो फिर एक पबजी प्लेयर, मतलब भाई मशहूरी चाहते हो ना, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज के वीडियो में मैं अपनी स्टोरी बताकर तुम लोग को इतना ज्यादा मोटिवेट कर दूंगा, मतलब इतना ज्यादा ऐसे लेवल पे मोटिवेट कर दूंगा ना कि तुम लोग आगे जाके लड़ पड़ोगे यूट्यूब से, मतलब भाई घुस के फट जाओगे यूट्यूब की दुनिया में। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो भाई लोग, कैसे हो आप लोग? तो गाइज आज आपका भाई अपनी स्टोरी बताएगा और तुम लोग को मोटिवेट करूंगा, ठीक है? तुम लोग को बताऊंगा कि कैसे चलना है, ठीक है? सीन सारा बताने वाला हूँ, ठीक है? तो सबसे पहली बात तो ये है, तुम लोग को हर कोई बोलता होगा कि मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो, मिलेगा तुम्हें कुछ ना कुछ। लेकिन तुम लोग बोलते हो कि कुछ घंटा नहीं मिल रहा साले, इतनी मेहनत करते हैं हम, इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, लेकिन वो रिकमेंड में नहीं जा रही, फॉर यू पे। यार ये टिकटॉकर का कीड़ा नहीं मर रहा मेरे अंदर से, मेरा मतलब है रिकमेंड में नहीं जा रही। देखो तुम लोग को करना बहुत आसान है, ठीक है? 3 दफा कॉपी लिंक पे शेयर मारना है और तुम्हारी वीडियो क्या नाम है यार, क्या बोल रहा हूँ मैं, टिकटॉक पर मर जा मेरे अंदर का। देखो अब मैं तुम लोग को सीरियस बात बताता हूँ, ठीक है? सबसे पहले तो मैं अपना स्टोरी डिस्कस करता हूँ, ठीक है? देखो पबजी में मैं लगा हुआ हूँ season 2 से, ठीक है? और season 2 में मतलब मैंने डाउनलोड वगैरह की थी, मेरे को अजीब लगी, फिर मैंने दोबारा से डाउनलोड की तो फिर मेरे को अच्छी लगने लगी गेम। यूट्यूबर को देखता था, इंडियन यूट्यूबर ही नज़र आते थे, मैं इंडियन को ही देखता था, मैं पाकिस्तान में किसी को जानता ही नहीं था कि ये यूट्यूबर है, वो यूट्यूबर है। फिर बीच में मैंने जाना तो मैं इंडियन देखता था, स्काउट मोटल वगैरह जितने भी है सबको देखता था। फिर मैंने बोला अपनी भी कोई कंटेंट बनाऊँ, मैंने भाई बहुत मेहनत, मतलब मेहनत पे मेहनत स्ट्रीम, मतलब मैं उसकी मोटल की स्ट्रीम थी एक दिन ना, उसको आरपी मैक्स करनी थी, तो मैं उसकी स्ट्रीम को 2-3 घंटे में, उसकी स्ट्रीम की वो होती है ना शुरू में, वो जो स्ट्रीम की स्टार्टिंग होती है वो पता नहीं उसने प्रीमियर की हुई थी, कुछ किया हुआ था, टाइमर लगा हुआ था, तो मैं उसमें ही बैठा रहा कि सबसे पहले मैं वीडियो बनाऊंगा मोटल की 100 RP की और वीडियो अपलोड कर दूंगा चैनल पे। तो मैंने सोचा था कि मैं सबसे पहले अपलोड करूंगा मोटल की 100 RP वीडियो, RP करेगा वो, मैं अब स्ट्रीम से उठा के अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। मैंने सोचा था कि 1000 व्यूज़ आ जाएंगे, ठीक है? तो 1000 व्यूज़ तो नहीं आए, 20-30 व्यूज़ आए, और वो भी जानने वालों को मैं बोलता था सब्सक्राइब करो शेयर करो ये वो, तो वो लोग कर देते थे, तो वही लोग आए। फिर मतलब मैं बहुत ज़्यादा वो हुआ कि मैंने बहुत ज़्यादा वो की, मेहनत की, मतलब बहुत वेट किया, और जब भी मुझे मतलब कोई नहीं हुआ, फिर मैंने बोला यार अब ये मैं अगर ऐसे एक एक वीडियो का देखता रहूँगा ना कि ये वायरल नहीं हुई, अब मैं सोचूं कि भाई अपलोड करूँ दूसरी नहीं करूँ, होगी नहीं होगी, मैं कोई सुपर स्टार तो हूँ नहीं जो भाई कि हर वीडियो मेरी वायरल जाए मतलब यूट्यूब पर। तो फिर मैंने सोचा कि भाई अब मेहनत करनी है, लगा के मेहनत करनी है, टिके रहना है यूट्यूब पर, मतलब मैंने ये सोच लिया अब भाई जब तक मेरे को फल नहीं मिलता ना मेहनत का, जब तक मेरे को वो ही नहीं होना, हटना नहीं है पीछे। तो भाई मैंने सोच लिया कि लगे रहना है, डालता गया कंटेंट डाला, टिप्स एंड ट्रिक्स डाली, कॉम्पिटेटिव में घुसा, कॉम्पिटेटिव के मोंटेज डाले, कस्टम खेलता था कस्टम के मोंटेज डाले, क्योंकि यार ये सब मैं इंडियन को देखता था ना तो वहाँ का चलता था, और बस फिर मैंने उनको देखता था तो उनकी मतलब उनकी कॉपी करता था तकरीबन कि भाई ये चलता है। लेकिन फिर मुझे बाद में पता नहीं था उस वक्त के पाकिस्तान में भी यूट्यूबर्स हैं और क्या कर रहे हैं, वो इतना मुझे कुछ नहीं पता था। तो सीन कुछ ऐसा हुआ, शुरू में कुछ दोस्त भी होते हैं, तुम लोग को ये मैं अभी बात बता रहा हूँ, ऐसे दोस्त होते हैं भाई साहब तुम्हें डीमोटिवेट करते जाएंगे, तुम दबोगे और दबाते जाएंगे कि भाई ये क्या कर रहा है बिला वजह, तू व्यूज़ तेरे 20-30 आने हैं, तेरे को वीडियो अपलोड करनी है, तुम गेम प्ले रिकॉर्ड करने लगोगे। मेरा पता है इंटरनल ऑडियो नहीं रिकॉर्ड होती थी गेम में ना पहले एंड्रॉयड वगैरह में, तो मैं रिकॉर्ड करता था तो फिर वो बोलते थे क्या फ़ायदा, अबे तू अजीब बंदा वीडियो अपलोड कर, वीडियो रिकॉर्ड करते रहता है, तेरी कोई वीडियो पे 20-30 व्यूज़ आना है, बस तेरा वो हो जाना है, तो मतलब डीमोटिवेट करते थे। फिर मैं उनसे कटता गया, मतलब उनको शार्ट कराओ भाई, सीधी बात है ज़िंदगी से उनको शार्ट कराओ भाई, डीमोटिवेट करेंगे उनको शार्ट कराओ, जैसे लॉबी शार्ट होता है ना, उनको ज़िंदगी से शार्ट करा दो, और ऐसे दोस्त रखो जो मोटिवेट करें। मेरे खुद के मतलब मैं अभी भी बोलता हूँ मेरे दोस्त मतलब सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थे, मतलब उन्होंने ही मेरे को मोटिवेट किया, हर टाइम पे मोटिवेट किया कि भाई अगर ये नहीं हुआ वो हो जाएगा, ये नहीं हुआ वो, अच्छा मतलब मैं अपना मतलब मैं नेगेटिव जाता था कि यार अब ये वाली वीडियो वो नहीं हुई तो अब मेरा अकाउंट फ्रीज ना हो जाए, टिकटॉक वगैरह का, पहले मैं टिकटॉक पर भी था तो टिकटॉक से भी मैंने शुरुआत की थी,
तो अकाउंट फ्रीज ना हो जाए, वो मोटिवेट करते थे कि भाई नहीं बे तू और अपलोड कर, रोज अपलोड करेगा तो एक ना एक तो वीडियो फॉर यू पे जाएगी। वो लोग ने मेरा ये दिमाग में डाला, मैं तो उल्टा सोचता था, वो मेरे को और अच्छा बता देते। तो ऐसे दोस्त रखो जो तुम लोग को मोटिवेट करें, ठीक है, और तुम लोग को डीमोटिवेट ना करें। तब उनको जिंदगी से शार्ट करा दोगे ना, मतलब डीमोटिवेट वाले बंदों को, वो कुछ दिनों में, मतलब मेरे साथ हुआ यार, अगर ना आए ना मुझे आगे पकड़ लेना, मतलब अगर तुम्हारी सक्सेस हो जाएगी ना, सक्सेस पालोगे तुम लोग, तुम मशहूर होने लगोगे, ठीक है, वो खुद आ जाएंगे तुम्हारे पास के भाई साहब ये वो मशहूर हो गया, अब तो हमारी सुनेगा नहीं, अब तो ये वो बड़ा बन गया। भाई भाई सीधा बोलो, पहले कौन सी सुनता था जो अब सुनूंगा, साले वो आएंगे ऐसे ही तुम्हें बोलेंगे ये वो, या तो फिर फेम लेने के लिए तुम्हें एक्सपोज करने लग जाएंगे ये वो कि भाई पहले ये करता था वो करता था। उनको कटा दो जिंदगी से, ठीक है, और अपना आगे बढ़ जाओ भाई मेहनत करने के लिए। तो भाई लोग मेरा सीन कुछ ऐसा था ना कि भाई मतलब मेरे 20-30 व्यूज आते थे, और मतलब मैं खुद अपने सेकंड क्या मतलब बहुत सारे चैनल बनाता, 10-12 चैनल बना लेता था अलग अलग नाम से, ये वो मोटल आईएसआई मोटल ये वो, ऐसे मैं नाम के चैनल्स बना लेता था और खुद लाइक करता था, खुद सब्सक्राइब करता था अपने ही चैनल को। मुझे पता था अपने ही चैनल है मेरे, लेकिन मैं खुद अपने आप को मतलब मोटिवेट फील करता था कि भाई अच्छे मतलब इस वीडियो के बाद इतने सब्सक्राइबर गेन हो गए, अच्छा लगता था। लेकिन मुझे खुद मैं खुद करता था, मतलब फिर भी मेरे को थोड़ा बहुत अच्छा लगता था और लाइक करता था, मतलब व्यू, मतलब मैं वीडियो अपनी खुद की वीडियो बार बार देखता था कि 100 व्यूज़ हो जाए इस पे, 100 व्यूज़ अच्छे लगेंगे। मैं अगर दूसरे बंदे को बोलूँगा कि रिक्वायरमेंट में जाता था, बोलता था लोगों को सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और मैं अगर उनको बोलूँगा कि भाई ये मेरा चैनल है वैम्पायर वाईटी वगैरह, वो व्यूज़ देखेंगे तो वो समझेंगे भाई कि अच्छा चैनल है, मतलब 100 व्यूज़ हैं इसके, तो सही सीन है, मतलब चिल, मतलब थोड़े बहुत व्यूज़ तो आ जाते हैं, इसको कोई देखता भी है। और बहुत से लोग जानते होंगे मतलब कि यार एक रैंडम स्क्वाड्स का ट्रेंड चला था, मतलब रैंडम गर्ल्स स्क्वाड, तो सीन कुछ ऐसा हुआ ना, मतलब मैं भी उसमें घुस गया। मैंने बोला यार ये क्या सीन है यार, मतलब मैं रोर अबू बकर वगैरह को देखा था, मैंने बोला यार ये तो सही है भाई, रैंडम गर्ल स्क्वाड बनाया और चलो भाई चल पड़े, फेमस हो गए, लाख लाख व्यूज आ रहे दिन में। लेकिन मेहनत बहुत लगती थी उसमें भी, लड़कियां ढूंढो, लड़कियां भाई नखरे ही नहीं खत्म होते थे लड़कियों के, क्या बताऊं तुम लोग को। मैंने भी बहुत बनाई है रैंडम गर्ल स्क्वाड, मेरे चैनल पे जाओगे ना वो मेन चैनल पे तो तुम लोग को मिल जाएगा। देखो बहुत नगर होते थे लड़कियों के, बहुत मुश्किल से बनती थी वो वीडियो, और स्क्रिप्टेड होती थी मैं मानता हूँ, ठीक है, मैंने कुछ बनाई और कुछ स्क्रिप्टेड थी कुछ रियल थी। तो मेरी एक स्क्रिप्टेड वीडियो वायरल हो गई, मतलब भाई उस पर मतलब मैं रोज हजार हजार व्यूज बढ़ने लग गए, मतलब वो जो खुशी हुई थी ना, मतलब दिल ऐसा लग रहा था बाहर आ जाएगा, मतलब भाई इतनी ज़्यादा मेरे को खुशी हो रही थी, मेरे दोस्तों को इतनी खुशी हो रही थी, मैं नाश्ता पेड़ रहा था उधर उधर किसी की लॉबी भाई के, हाँ भाई हज़ार व्यूज़ बढ़ रहे हैं तेरे भाई के रोज़ रोज़, मतलब भाई वीडियो रिकमेंड में चले गई। तो मैं बनाता था, बहुत बनाई थी, फिर एक वायरल हो गई, तो सीन ऐसा हुआ उस पे रोज़ रोज़ हज़ार व्यूज़ बढ़ने लग गए उसमें, मतलब उसकी जो खुशी थी ना, अब जो लाख व्यूज़ भी आ जाए ना दिन में मेन चैनल पे, तो मतलब उतनी खुशी नहीं होती। उस टाइम हम खुद ऐसे देख रहे होते थे मोबाइल खोल के, भाई अब इतना एक और व्यूज़ बढ़ा, दो व्यूज़ बढ़ा, रिफ्रेश करा, 5-15 व्यूज़ बढ़ गए, 10-20 व्यूज़ बढ़ गए, भाई मज़ा आ जाता था, मतलब भाई हम लोग ऐसे खुश थे मतलब। तो फिर वो व्यूज़ बढ़ते गए रोज़ रोज़, 30 दिन हमने देखा है 30,000 व्यूज़ हो गए थे उस पर, और वो रुक गई, वो वीडियो फिर रुक गई, तो वो वीडियो रुक गई, फिर हम परेशान, चलो मैंने बोला लेकिन अच्छा है यार लोग देखेंगे, मतलब मोस्ट पॉपुलर वीडियो इसके चैनल की है तो 30,000 व्यूज़ हैं, थोड़ा बेहतर लगेगा चैनल वगैरह। तो फिर मैंने आया टिकटॉक पे, मतलब मैं उधर फिर मेरी यूट्यूब पे वीडियो नहीं चलने लगी, फिर एक पे गए 7,000 व्यूज़, 8,000, फिर नहीं चलने लगी, मतलब मैं करता मेहनत और तो चल जाती, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगी। टिकटॉक पे आना ज़रूरी था, टिकटॉक पे आना ज़रूरी क्यों था, ठीक है, मतलब मेरे मसले वसले चले थे रोर अबू बकर वगैरह से, ठीक है, उन लोग का मतलब रैंडम गर्ल स्क्वाड वगैरह का था, और मेरा बीच में मसला भी बन गया था लॉबी वगैरह का, 1v1 वगैरह का कोई मसला था, तो वो कंट्रोवर्सी की वजह से मैं आया था टिकटॉक पर, कि भाई मैंने बोला यार टिकटॉक पर क्या है भाई, टिकटॉक पर फेम ले ली, चलो भाई यूट्यूब पर आ गए अपना चैनल बना लिया। मेरी दिमाग में ये था कि टिकटॉक भाई एकदम बेकार टट्टी है, मेरे दोस्त बोलते थे आ जा भाई टिकटॉक पर आ, वो देख वो आया टिकटॉकर, ये आया वो टिकटॉकर है भाई। मैं पाकिस्तान में क्योंकि किसी को जानता ही नहीं था ना, मैं सिर्फ इंडियन यूट्यूबर्स को देखता था, तो मेरे दोस्त लोग बताते थे कि भाई ये टिकटॉकर वो टिकटॉकर ये वो, मैं बोलता था अबे आराम से बैठो इनकी कोई इज्जत है, फिर देखो वाह भाई वाह तालियां भाई यूट्यूब पे बना लिया चैनल, सही है चल पड़ा। तो फिर मैंने मतलब ग्लोबल टाइटल लिया,
पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्लोबल टाइटल लिया, और मतलब कुछ ना कुछ करना था। मेरे को एक इंडियन दोस्त मिला था, उसका 1 नंबर पे इंडिया का ग्लोबल टाइटल था, तो मैंने सोचा उससे पूछा भाई क्या 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 सीन है यार बता दो मुझे, और मैं भी करूँगा नेक्स्ट सीजन। उसने बोला बहुत ज़्यादा हार्ड है करना, 20-20 घंटे रोज़ खेलने हैं। मतलब भाई मैंने सोच लिया कि यार यूट्यूब पे मैं इतनी मेहनत करता हूँ, यूट्यूब को मैंने अभी थोड़ी देर के ना थोड़े दिनों के लिए स्किप कर दिया। मेरा टिकटॉक भाई साहब सीन ये हुआ, पहले एक मेरी चेयर पार्क की वीडियो फॉर यू पे चले गई। तो टिकटॉक मतलब है अच्छे तरीके के, तुम लोग अगर छोटे हो मतलब यूट्यूब वगैरह पे कर रहे हो तो टिकटॉक पर भी साथ में कंटिन्यू करो, यूट्यूब पर भी करो टिकटॉक पर भी करो, हो सकता है यूट्यूब पर रिकमेंड में चले जाए या तो फिर टिकटॉक पर फॉर यू पे चले जाए। तो मेरी गई फॉर यू पे पहली वीडियो, फिर यूट्यूब पे लेकिन मेरी गई थी पहले रिकमेंड में, फिर उसके बाद मैं टिकटॉक पर आया। सही है, मैं सिक्वेंस से बता रहा हूँ। तो टिकटॉक पर आया मैं, टिकटॉक पर ये फॉर यू पे चेयर पार्क की वो इतने लाइक्स नहीं है। फिर उसके बाद एक और वीडियो गई, मैंने ग्रेनेड से 4 बंदे मारे थे, रियल स्क्रिप्टेड नहीं, मैंने अपने एक मॉन्टेज का उठा के डाल दिया था, तो वो भी वायरल चले गई, वो गई 10,000 लाइक्स पे। भाई मैं खुश, भाई ये सही है टिकटॉक विकटॉक भाई अपना चल पड़ा। मतलब एक सोच होती ना, अपना चल रहा है तो ठीक है, वरना दूसरे का चल रहा है तो हेट करना है उसको। ये मेरी सोच बहुत ज़्यादा गलत थी, ठीक है। तुम लोग भी ऐसा नहीं करा करो कि अपना भाई सही है तो चलो भाई हम ठीक है, वो गलत कर रहा है गेम। तो ग्लोबल टाइटल लिया तो मैंने टिकटॉक पे वीडियोस वगैरह लगाई, और दोस्त मेरे बने ग्लोबल के भाई ये सीन, वो दोस्त वगैरह बन गए तो ग्लोबल वगैरह के ही थे वो भी, तो उनके साथ मिलके मैंने वीडियोस वगैरह लगाई, तो मेरी ग्लोबल की एक वीडियो वायरल हो गई 50,000 लाइक्स पे। बताओ भाई 50 तोला वाला सीन हो गया वहाँ पे। मैंने वॉइस ओवर भी किया था, ठीक है, वॉइस भी लोगों को कुछ पसंद आ गई, और उस वक्त तो हेट मिला। मतलब शुरू में कम्युनिटी में बंदा आएगा ना, उसको जाहिर सी बात है हेट मिलेगा, बिला वजह हेट मिलेगा, कोई नहीं, मतलब उसने बुरा काम किया अच्छा काम किया और हेट जो पुराना है ठीक है वो उसको कुछ नहीं बोलेंगे। और शुरू में आया मेरे को बहुत ज़्यादा हेट मिला, डीमोटिवेट भी हुआ, हेटर्स पे मैंने इतनी ज़्यादा वीडियोस बनाई कि भाई ये वो सही, मैंने उनको टपाटप करके ली उनकी टिकटॉक पर। अगर मेरी टिकटॉक आईडी, हाँ टिकटॉक आईडी पाकर भाई के पास है, वाली आईडी देखोगे ना उस पे सब मेरा दिख जाएगा। मतलब मैंने हेटर्स की ली भाई ये वो बड़ी टपाटप, मैंने सही मज़े किए उस टाइम पे। तो फिर मैंने यूट्यूब पर कन्वर्ट किया, और यूट्यूब पर आज मैं आप लोग के सामने हूँ, ठीक है। मेरा दूसरा चैनल भी है, बोन मेन पे भी मैंने अच्छा खासा ग्रो कर लिया। तो देखो यार, पहली बात इस मतलब स्टोरी का मोटिव ये कि हसद नहीं करो, मतलब जैसे तुम मतलब मेरे जितने हो अगर, तो तुम मेरे को हेड मत करो कि ये क्यों है ऐसे आगे और मैं क्यों नहीं हूँ। मेहनत करो, बस मेहनत करो, मेहनत कभी ज़ाया नहीं होगी तुम्हारी, ये बात याद रखो मेरी, मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं होगी। एक चीज़ कर रहे हो जैसे यूट्यूब कर रहे हो तो साथ में टिकटॉक भी करो, और कोई नई चीज़ भी ट्राई करो, कंटेंट एकदम ओपी बनाओ। जैसे मैं अभी बना रहा हूँ ना तो तुम लोग को पसंद आ रहे हैं, मैं पहले वाले मेरे को कंटेंट किसी को पसंद नहीं आ रहे थे, तो यही बात है। हमारा माइक दे दिया, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इस वीडियो का मोटिव तुम लोग को समझ आ गया होगा, ठीक है। और मतलब मेरी स्टोरी तुम लोग को मैंने सारा कुछ बता दिया, तो मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, इधर तुम लोग को मैं बस एंटरटेन करता रहूँगा, थोड़ा थोड़ा कर देना सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।